का सामना करना पड़ता था। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय की पहल पर 7 आईटीबीपी बटालियन को स्वीकृति दी है और आईटीबीपी की स्थापना से 7 बटालियन पहली बार स्वीकृत हुए हैं। लगभग 7 बटालियन, 1 सेक्टर हेडक्वार्टर, 3000 करोड़ की लागत से बनेगा और 7 में से 4 बटालियन का स्थापना की तैयारी आईटीबीपी ने कर ली है। सुबह ही मैंने आईटीबीपी डीजी से बात करी, लगभग 5000 जवान उनको मिल गए हैं और बहुत कम समय में 7 में से 4 बटालियन सेना सीमा पर तैनात हो जाएगी, जो आपके लोड को भी कम करेगी, आपकी जिम्मेदारियों को शेयर भी करेगी और बड़ी चुस्तता के साथ, कोई गलती के बगैर, कोई छिद्र के बगैर आपके ड्यूटी का निर्वहन करने में आपको मदद करेगी। आईटीबीपी शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। 7516 किलोमीटर की तटरेखा है इस देश की और 15000 किलोमीटर से अधिक भूमि सीमा है। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, हमने तय किया था कि एक सीमा एक बल, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य विभाजन किया था, जिसका बहुत अच्छा परिणाम मिला है। हमारी भू सीमा 7 देशों के साथ हम साझा करते हैं और हिमालय सीमा के रक्षक की जिम्मेदारी आईटीबीपी पर है, हमारे हिमवीरों पर है और मुझे फक्र है हमारे हिमवीरों पर कि सीमा सुरक्षा में सबसे कठिन से कठिन क्षेत्र आपके पास है और सबसे अच्छे तरीके से अगर सीमा सुरक्षा किसी ने किया है तो हमारे हिमवीरों ने किया। 19000 फीट की ऊंचाई तक स्थित आपकी बॉर्डर आउटपोस्ट और सबसे न्यूनतम तापमान -45 डिग्री तक जाता है, ऑक्सीजन कम होता है, बर्फबारी, उफनते नाले, नदी, इस सब के बीच में पैदल जाकर आपने अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन किया है। इसके कारण पूरा देश सुनिश्चित है। मैं आज बताना चाहता हूं कि 6 दशकों की अविरत सेवा में 7 पद्मश्री, 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, 19 राष्ट्रपति पुलिस पदक, 14 तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पदक और कई सारे पदक आईटीबीपी ने प्राप्त किए हैं, वो शौर्य और बलिदान के प्रतीक है। मैं आज पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं, जब भी भारत चीन सीमा पर कोई भी समाचार आते हैं और मुझे मालूम पड़ता है कि आईटीबीपी का जवान वहां तैनात है, मैं जरा भी चिंता करे बगैर आराम से रात को सो सकता हूं, क्योंकि वहां मेरा हिमवीर उपस्थित है। और मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, आईटीबीपी और सेना के जवान जब तक सीमा पर उपस्थित है, तैनात है, तब तक देश की 1 इंच भूमि को भी कोई कब्जा नहीं कर सकता, ऐसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और मुझे विश्वास है मेरे हिमवीरों पर कि आपका शौर्य और बलिदान हमेशा देश की सीमाओं का सुरक्षा करता रहेगा। और अब हिम वीरांगनाएं भी आज परेड में आपका दस्ता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेटियां भी सीमा की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुई है। मैं जितनी हिम वीरांगनाएं ये दुर्गम क्षेत्रों में काम करती हैं, उनको विशेष बधाई और विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतने दुर्गम क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आईटीबीपी की खेलों में भागीदारी भी अब बहुत बड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी 36 लाख से ज्यादा वृक्ष इतने दुर्गम क्षेत्र में आपने लगाए हैं। मेरा एक आग्रह है कि हमारे सारे जवान कुछ वृक्षों को अपने साथ जोड़ लें। अगर हर जवान कुछ वृक्षों के साथ दोस्ती करता है तो आपके मन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा
और संवेदनशीलता को संभालने में वृक्ष को सिंचन और वृक्ष के उच्छेर के साथ हमारा जुड़ाव, इसकी वृद्धि के साथ हमारा जुड़ाव हमारे मन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन करता है, ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है। 36 लाख पौधे जो लगाए गए हैं 5 साल में, मुझे विश्वास ये बड़े दरख बनेंगे और देश के पर्यावरण की, समग्र विश्व के पर्यावरण की भी चिंता करेंगे। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट लिया है। मोदी जी ने एक नए कंसेप्ट को जनता के सामने रखा है। पहले सीमा पर जो गांव होता था उसको हम कहते थे देश का अंतिम गांव। मोदी जी ने वहां जाकर कहा है कि ये अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, यहीं से देश की शुरुआत है। ये अप्रोच के साथ सीमा पर बसे हुए हमारे गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाना, वहां की आबादी को न केवल सस्टेन करना, उसमें वृद्धि करना, वहां पर देश के जमीनी भूभाग में जो गांव के पास सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं देश के पहले गांव पर जाएं, वो सारी सुविधाएं सीमा के गांव में मिले, इसके लिए ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बनाया है। और उसके प्रथम चरण में 19 जिलों के 46 ब्लॉक और 662 गांव, जिसमें 1.5 लाख की आबादी है, इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का बजट देकर उनकी मिलने वाली बिजली, उनकी सड़क, वहां रोजगारी के साधन, वहां स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था, वहां शिक्षा की व्यवस्था और वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त करने का कार्यक्रम किया है। मैं सभी हिमवीरों को भी कहना चाहता हूं, देश की सीमा की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, मगर जब ये गांव खाली हो जाएंगे तो सीमा की सुरक्षा में बहुत दिक्कत आएगी। मोदी जी ने अंतिम से अंतिम गांव को पहला बनाकर ये लक्ष्य रखा है कि वो सिर्फ भौगोलिक रूप से पहला न हो, वो सुविधा की रूप से भी देश का प्रथम गांव बने। सबसे ज्यादा सुविधाएं हमारे सीमा पर के गांव में हो, इसमें हिमवीरों की भी भूमिका है। गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ, मैंने स्वयं मीटिंग की है और सूचना दी है कि जो सीमा सुरक्षा बल है, जो हमारे CAPF जहां काम करते हैं और ज्यादातर प्रथम चरण में ITBP काम करता है, इनको डेवलपमेंटल काम के नोडल एजेंसी के रूप में स्वीकार कर सारी सुविधाएं गांव में पहुंचे, इसकी चिंता करना। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में 168 अनकनेक्टेड गांवों की सड़क जो बननी है, इसका DPR भी बन चुका है, 1 साल के अंदर ये सारे के सारे गांव सड़क से भी जुड़ेंगे, बिजली से भी जुड़ेंगे, दूर संचार से भी जुड़ेंगे और स्वास्थ्य सेवा भी हम इसकी परिपूर्ण कर पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज मेरे हिमवीरों को और देश के जनता को मैं बताना चाहता हूं, बॉर्डर का विकास, बॉर्डर पर सुविधाओं का विकास करे बगैर देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। भारत चीन सीमा पर अनेक प्रकार की दिक्कतें थी, मैं सिर्फ एक आंकड़ा ही बताना चाहता हूं, 2014 के पहले एवरेज खर्च भारत चीन सीमा पर 4000 करोड़ रुपया सालाना होता था, अब 2022-23 में ये 9 साल में एवरेज खर्च 12,340 करोड़ रुपया हुआ है। 3 गुना खर्च हमें सीमा पर रोड बनाने के लिए, BOP बनाने के लिए, जवानों की सुविधा बनाने के लिए और गांवों में संपूर्ण सुविधा युक्त गांव बनाने के लिए बढ़ाया है। मुझे आशा है कि इससे चाहे हेलीपैड बनाने हो, रोड बनाने हो, नए BOP बनाने हो और 350 से ज्यादा इस दुर्गम क्षेत्र में पुल और पुलियां बनाने का काम भी भारत सरकार ने किया है, जो आने वाले दिनों में हिमवीरों को सुरक्षित भारत बनाने में
बड़ा मदद रूप होगा। मित्रों, आईटीबीपी के जवानों के कल्याण के लिए भी ढेर सारे कदम उठाए हैं। मैं इतना ज्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर एक बात मैं देश के गृह मंत्री दाते हिमवीरों को जरूर कहना चाहता हूं कि हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। आप देश की चिंता करिए, आपके परिवार की चिंता भारत सरकार करेगी, इतना आश्वासन मैं आज जरूर देना चाहता हूं। विगत 9 साल में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में ढेर सारा बदलाव आया है। इस देश में 3 हॉटस्पॉट माने जाते थे, कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट का हमारा क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र। धारा 370 हटाने के बाद आज कश्मीर में आतंकवाद को पूर्णतया काबू में लेने में भारत को सफलता मिली है और कश्मीर पुलिस भी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी आज ढंग से आतंकवाद का सामना कर रही है और आंकड़ों में, सभी प्रकार के आंकड़ों में और मृत्यु में भी 72% की गिरावट आई है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में भी ढेर सारी सफलता में मिली है, वहां पर भी घटनाओं में और मृत्यु में करीब करीब 65% की कमी हुई है और वामपंथी उग्रवाद में भी 80% की कमी हमने दर्ज की है। देश के आंतरिक सुरक्षा का दृश्य बहुत मजबूत हो रहा है और देश की सीमा सुरक्षा को मेरे हिमवीर संभाल रहे हैं। ये दोनों मिलाकर देश को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों और बहनों, ये आजादी का अमृत वर्ष अभी अभी समाप्त हुआ है। आजादी के अमृत काल की शुरुआत आज से लेकर 2047 15 अगस्त तक हम सब ने तय करना है कि भारत विश्व में हर क्षेत्र के अंदर प्रथम, न केवल अर्थतंत्र के क्षेत्र में, सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को आधुनिक करने के लिए, सुरक्षा बलों को मजबूत और आधुनिक करने के लिए और इनोवेशन के क्षेत्र हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर जगह भारत विश्व का नेतृत्व करे, ऐसे भारत को 2047 तक बनाना है। ये 25 साल अमृत काल के जो 25 साल है हमारे लिए संकल्प लेने के 25 साल है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के 25 साल है। तो हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़े और मेरे हिमवीर भी भारत चीन सेना सीमा किस तरह से ज्यादा सुरक्षित हो इसके लक्ष्य गढ़े और 2047 तक परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हम खड़ी करें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। फिर से एक बार दुर्गम क्षेत्र में आपको जो दिक्कतों के साथ भी कर्तव्य परायण निष्ठा के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके साहस, वीरता, धैर्य और बलिदान